अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हानिया और आप देख रहे हैं हानिया लाइव स्टाइल। आज की वीडियो में मैं आपको चिकन पास्ता बनाना सिखाऊंगी। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें, इंस्टा पे फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बॉइल करने के लिए मैंने पानी को सबसे पहले रखा है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक और साथ ही साथ में मैं इसमें ऑयल शामिल करूंगी। ये थोड़ा मैंने ऑयल शामिल किया। ये देखिए पानी बॉइल होने लगा था, तो अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें मैक्रोनीज। मैक्रोनीज आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ। मैक्रोनीज मैंने हाई फ्लेम पे की है 10 to 15 मिनट्स। ये देखें बॉईल हो चुकी है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। मैंने इसका पानी मैक्रोनीज का निकाल के अब मैं ठंडे पानी से इसको वॉश कर रही हूँ। आप चाहें तो ठंडे पानी में डाल के रख भी सकते हैं। चिकन को मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था और देखें ऐसे मैंने इसके पीस बना लिए हैं। आपको जितना चाहिए, आप चाहें रेशा कर लें, मर्जी है आप। ऑयल को मैंने पहले गरम कर लिया है, अब इसमें ये मैं चॉप हुई हुई प्याज डालूंगी। अब इसको इतना पकाएंगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। प्याज को ये मैंने हल्का फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन 1 चम्मच, लहसुन को करके अब मैं टमाटर डाल रही हूँ, चला रही हूँ। फ्लेम को अब मैं कम कर रही हूँ। मैं डालनी है किसी मिर्च इसमें शामिल कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं शामिल करूंगी सिरका 3 चम्मच, डालूंगी मैं सोया सॉस 1 चम्मच, 2 चम्मच और ये 3 चम्मच। इसके बाद शामिल करूंगी मैं चिली सॉस। चिली सॉस के भी मैं 3 चम्मच डालूंगी। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं स्पाइसेस, आप जैसा खाते हैं। ज़्यादा आपको स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा डालें चीज़ें। अब मैं डालूंगी केचप, इसके लिए मैं डालूंगी 3 चम्मच। अब डालूंगी चिल्ली गार्लिक सॉस, के मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं शामिल करूँगी 1/2 चम्मच काली मिर्च का, देसी काली मिर्च, और इसको मैं अब टमाटर को गलने के लिए रख दूँगी। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसे गलने के लिए रख दूँगी। मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको टमाटर को सॉफ्ट कर लिया है। अब इसके बाद मैं शामिल करूँगी वेजिटेबल्स। इसमें सबसे पहले मैंने डाला है ये बंद गोभी। अब मैं फ्लेम को हाई रखूंगी ताकि जो पानी है वो खुश्क हो जाए। अब मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च, इसके बाद मैं डालूंगी चिकन। पहले इसको आप चला लें। चिकन फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है,
बाद अब मैं शामिल करूंगी इसमें नमक। नमक आप अपने हिसाब से रखें जैसे ज़रूरत। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें मैं सब्जियों को इतना पका लिया है, ये देखें ये इस कंडीशन में आ गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें मैक्रोनीज। मैक्रोनीज ऐड करूँगी इसमें। तो मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैक्रोनीज और पके मसाले। आज की वीडियो आप लोगों को मेरी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देगा, शेयर कर देगा और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना तो बिल्कुल नहीं भूलेगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।